लगता है जैसे इस कार का रिमोट का जो ये चाबी है इसका बैटरी कम हो गया है। तो ये हमारी कार जिसमें हम पिछले 3 दिन थे, हमारा काम बहुत ही अच्छे से हुआ। एक कार होने का फायदा कितना होता है ना, वो हमें कल भी पता चला और पहले से भी पता है। गाइस मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, दोपहर के 1 बजे हैं और जस्ट अभी सो के उठा हूँ और जा रहे हैं बुलेट शोरूम बाइक देने के लिए धनंजय भैया को और अपने ये टाइगर लेने के लिए उनसे और बाकी काम आज का करने के लिए, क्योंकि अब जो है खाली आज रात भर सोना है, कल फिर वापस काम। घर के पास कोई भी चीज़ होने से अपना काम बहुत आसान हो जाता है। तो जैसे घर के बाहर रॉयल एनफील्ड का शोरूम है, मुझे 2 मिनट लगता है यहाँ पे आने के लिए। और धनंजय भैया आपको कितना मिनट लगता है यहाँ पे आने के लिए? 10 मिनट बस, गाड़ी के हिसाब से क्या? सो यहाँ पे दोस्त के लिए बाइक देखने आए थे, तो बाइक सामने है, बहुत ही प्यारा। मतलब रॉयल एनफील्ड क्या कर रहा है, ऐसी ऐसी बाइक, ऐसा ऐसा कलर की भाई दिल आ जा रहा है। बाइक देखने से पहले कि दिखाओ, इसमें मेरा लैपटॉप आएगा क्या? लैपटॉप आएगा क्या? फिर तकलीफ यही हो जाएगी भाई, मैकबुक का प्रोडक्ट रॉयल एनफील्ड में पर कोई नहीं, दोनों ब्रांड बहुत खतरनाक है। क्या प्राइस है इसका? इसका है 2700। 2700 मतलब जबरदस्त है यार। और यहाँ पे ऑलमोस्ट रॉयल एनफील्ड के बहुत कुछ है। वाह, ये क्या है? रेन कवर है। तो हमने यहाँ पे शोरूम देख लिया, हमारे दोस्त ने जो बाइक बुक किया है उसका भी 3 महीने वेटिंग चल रहा है और वो कौन सी बुलेट बुक करने वाले लेने वाले वो भी आपको अपडेट कर देंगे। सो अब चलते हैं इस कार को वॉशिंग कराने के लिए। वॉशिंग की बात जब भी होती तो हमारे ये दोस्त जब दोस्त है यार, कैमरा देखते भाग जाते हैं यार। सो मेरी हालत वैसे ही खराब है, मतलब मैं आया हूँ सुबह से, ना नहाया हूँ ना ब्रश किया हूँ, बस इसी काम में लगा हूँ 2 घंटे के नींद मार के। हमारे जो दोस्त आने वाले थे उनके काम के लिए गया था, फिर ये काम के लिए मैं आ गया। यहाँ पे कार वॉशिंग हो गया। एक बाइक से कार में ज्यादा टाइम लगता है वॉशिंग करने के लिए, बहुत। सो बाहर देखिए, वहाँ पे हमारे धनंजय भैया रॉयल एनफील्ड के मैनेजर साहब का गाड़ी कार जो है वहाँ पे हमने छोड़ दिया है और आ गए हैं हम यहाँ पे अंदर रॉयल एनफील्ड शोरूम के अंदर। और सामने हमारी बहुत ही प्यारी बेबी टाइगर का बड़ा वाला भाई, क्योंकि इससे भी बड़ा वाला भाई वो बहुत दूर है हमसे, जो कि प्लान है कम से कम 1.5 से 2 साल के अंदर उसे लेने का। तो आपको पता ही मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको कहा था कि हमारे दोस्त आने वाले एक बाइक लेने के लिए, और उन्होंने मुझे कहा था कि भाई आप भी आना साथ में, तो हम साथ में बाइक देख लेंगे और आप भी देख लेना कि बाइक कैसी है। ये है BS6 पैनियर के साथ, जो ये तो नहीं लेने वाले, उनका ये आगे का प्लान है। और अपना भी ऐसा कुछ मैं सोच रहा हूँ, एक्सपल्स को एक्सचेंज करूँ इसमें। अगर रॉयल एनफील्ड के पास कोई एक्सचेंज ऑफर होगा एक्सपल्स लेके ये बाइक देने का, तो मैं इस पर ऑल इंडिया राइड कर सकता हूँ और सेम पैनियर्स भी मिल जाएगा। बस एक टॉप बॉक्स लगाना है, अपने को गाड़ी लेके निकल जाना है। ये रही आपके सामने रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, जो बहुत ही प्यारा दिख रहा है। यहाँ पे BS6 अभी इतना अपडेट हो चुका है कि ये बाइक आपके सामने से गुजर जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। हाँ, ये है कि थोड़ा बुलेट का जो आवाज़ है थोड़ा साइलेंट हो चुका है, लेकिन परफॉर्मेंस में सबसे बाप हो चुका है। ये इस गाड़ी का कलर है, इसका जो नाम है, कलर का नाम क्या है? एल्सियन ग्रीन। थोड़ा सा वैसे तो ग्रीन है, बट वो एल्सियन थोड़ा सा इसको अलग करता है बोलने में। वैसे ग्रीन भी डार्क ग्रीन बोल सकते हैं, कैसा अंधेरा हो गया तो इस लाइट में उतना ये कलर दिख नहीं रहा, लेकिन जो उजाले में कलर दिखता है बहुत ही प्यारा। सो ये वो बाइक है। बाइक का जो प्राइस है कुछ अराउंड 2,40,000 के आसपास आता है शोरूम के अंदर। ओके, एक्सरूम प्राइस नहीं, ऑन रोड प्राइस बताया मैं आपको। और BS6 से बहुत शानदार है। ये जो बाइक लेने वाले हैं ना, वो हमारे साथ में है। यहाँ पे आ जाओ, आप शॉक मत हो जाना। यहाँ पे आ जाओ दानिश भाई, यहाँ पे आ जाओ। बाइक ये लेने वाले हैं, आप बाइक लेने वाले हो सीरियसली? यस। तो हमारे भाई के साथ और बताए कि हमारे सारे वीडियो देखते हैं भाई, जो हमारे सारे वीडियो देखते हैं उनके साथ एक ब्लॉगिंग तो बनता ही है। इस बाइक में 2 कलर है यहाँ पे, एक कलर यहाँ पे देखिए। अब इसको मैं क्या कलर बोलूँ तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही इस कलर को क्या बोलूँ, लेकिन बहुत प्यारा कलर है। ओके, क्योंकि अलग ही नाम है यार। अभी ये एक मुझे ग्रीन दिख रहा है, लेकिन इसका कुछ अलग ही ग्रीन नाम दिया गया है। सो मस्त है, इंजन का लुक बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से इंजन कुछ इस तरह दिखाई दिए, यहाँ से इंजन कुछ ऐसा दिखता है और सेम गियर साइड में इंजन कुछ ऐसा दिखता है। इंजन का साइज बहुत ही बड़ा और बहुत ही शानदार शेप दिया है, मीन्स लाइक हर जगह से कर्व शेप है।
आप इस बाइक का सिनेमैटिक वीडियो देख रहे हो और मेरा भी बिल्कुल ध्यान गया नहीं, इस बाइक में छुपी जगह पे ना बहुत ही शानदार चीज दिया है। मतलब हम लोग ऑलमोस्ट बाइक खरीदने के बाद वो चीज हर मतलब अपने बाइक पे इंस्टॉल कराते हैं। ये बाइक इन्होंने बुक किया है, सो कांग्रेचुलेशन भाई। तो एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, क्या सोच के ये बाइक बुक किया बताओ, मतलब तुम्हारे अंदर क्या ख्याल आया कि मुझे ये बाइक लेना है? इसमें रॉयल फील आती है, अच्छा लगता है। देखा, नाम में रॉयल है, बस यहाँ पे ये टॉपिक खत्म। तो आपको यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा चीज मिलने वाला है। ये जो दिख रहा है एकदम छुपा हुआ है, तो मतलब उससे उसका मतलब इसके वजह से इसका लुक भी खराब नहीं होता और मस्त तो छुपा हुआ है, किसको पता भी नहीं चलेगा, कोई मस्ती भी नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे चार्जिंग दिया है, जो नीचे जो है बहुत खतरनाक जगह पे दिया है भाई, यूएसबी दिया हुआ है। क्या 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 बात है। तो यहाँ यहाँ पे एक ऑफर चल रहा था, क्या ऑफर था वो? सो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो भी डिस्प्ले रखा गया टी शर्ट जीन्स 5000 का आपको शॉपिंग करना है, उसके बाद आपको ये बैग फ्री मिलेगा। क्या बात है, जिसपे रॉयल इनफील्ड का ब्रांडिंग रहेगा। यहाँ पे हमारे दोस्त, आप इनको बहुत बहुत कम ये हमारे ब्लॉग में आते हैं, बाकी कैमरे के पीछे हम बहुत ही बातचीत करते रहते। सो इनके पहचान आपको क्या लगते हो जिन्होंने बाइक ले रहे जी? आपको भी जीजा जी लगते हैं? छोटा भाई। अच्छा, आप छोटे भाई, तो आपके भी वो जीजा जी लगते हैं? वाह क्या बात है, बढ़िया। तो बस एक बात हुई कि आज वो बाइक ले रहे, तो हम सुबह से इनके साथ ही लग गए यार, वैसे भी आज फ्री थे, तो अच्छा टाइम मिल गया हमको। यहाँ पे साफ हो गया पूरा, जैकेट वैकेट सारा सामान ले लिया। तो बाइक एक हफ्ते में आ जाएगी, एक हफ्ते में बाइक बुक करने के बाद यहाँ पे बहुत ही प्यारा चीज़ लिया है। एक ये प्यारा सा, फोकस कर लूँ, प्यारा सा देखिए, रॉयल इनफील्ड का कॉफ़ी कप लिया है, सो मैं यहाँ रखता हूँ। और एक प्यारा सा यहाँ पे रॉयल इनफील्ड का बेल्ट भी लिया है, मतलब भाई रॉयल बाइक आते ही सब कुछ रॉयल रॉयल सामान ले लिया है। और सेम टू सेम इस बाइक का एक प्यारा सा टॉय बाइक लिया है, जो सेम दिखता है, जो बहुत ही प्यारा लगता है। ये तुम्हारे लिए, ये पकड़ो। हाँ हाँ, क्या बात है भाई। अच्छा, ओ बहुत ही शानदार बाइक है, बहुत ही लाजवाब है। सीधा ध्यान जाता है इंजन पे, सीधा ध्यान जाता है बाइक के कलर पे, और सीधा ध्यान जाता है बाइक के लुक पे। हर चीज़ अपडेट कर दिया गया है, और प्राइस में भी थोड़ा सा अपडेट किया गया है। प्राइस तो बनता ही भाई, इतनी शानदार बाइक का इतना तो प्राइस होना ही चाहिए। मैंने यहाँ पे एक प्यारा सा पोस्टर देखा कि जब इस रॉयल इनफील्ड का स्टार्टअप हुआ था, यहाँ से इनकी जर्नी स्टार्ट हुई। देख रहे हो आप, यहाँ से पूरी जर्नी स्टार्ट हुई और आज 2020 में यहाँ तक पहुँची है। तो रॉयल इनफील्ड का पूरा जर्नी यहाँ पे दिखता है, और ये बहुत ही प्यारा लगता है बैकग्राउंड यार, बहुत ही शानदार। क्लासिक का जो फर्स्ट मॉडल है 2008 में, क्लासिक 500 सीसी में आया था, मतलब 500 सीसी का इंजन सिंगल सिलेंडर। उसके बाद यहाँ पे थंडरबर्ड है, फिर वहाँ पे जीटी है, देन उसके आगे भी है। ये जो था ये फ्लिपकार्ट का, इसके लिए हमें माफ़ करना है, क्योंकि आपने कहा था भाई भैया थंबनेल और टाइटल पे ध्यान दो, तो इस बार हमने ध्यान दिया। बाइक जो है एक हफ्ते में आ जाएगी, बाकी सारा सामान हमने ले लिया है, सो बने रहो, बंद कर दूं। इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, एक हफ्ते बाद बाइक आ जाएगी। अगर मैं बोईसर में अवेलेबल रहा, कहीं शूट नहीं रहा, तो भाई बाइक का डिलीवरी वाला ब्लॉग भी हम देखेंगे अपने दोस्त के साथ। सो ये बाइक कंफर्म करना था, लेना था, देखना था, तो हम साथ में थे उनके, जिनसे हमारी दोस्ती अच्छी बन जाती है, तो हमेशा हम उनके साथ ही रहते हैं। सो इस ब्लॉग को, और आप भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हो जो हम इतने सालों से एक साथ हैं और आगे भी एक साथ रहेंगे। सो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, मिलते हैं जल्दी दूसरे ब्लॉग में गाइस, बाय बाय, गुड नाइट। अरे हाँ, नहीं मतलब कल ब्लॉग जो आएगा उसके लिए गुड नाइट बोला मैं। ओके okay.